एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। खबर गुरुग्राम से है। हाउसिंग सोसाइटी में सोनाली की गाड़ी मिली है। सोसाइटी की पार्किंग में उनकी गाड़ी खड़ी थी। गोवा जाने से पहले पार्क की गई थी गाड़ी। गाड़ी के अंदर सोनाली की फटी हुई तस्वीर भी मिली है और सोनाली के फ्लैट की नेम प्लेट भी गायब बताई जा रही है। तो हाउसिंग सोसाइटी जहां पर गोवा जाने से पहले इस सोसाइटी में किराए पर एक फ्लैट लिया गया था और वहां जाने से पहले गाड़ी को पार्क किया गया, उस गाड़ी में सोनाली फोगाट की फटी हुई फोटो, क्या मतलब है क्या, और नेम प्लेट उनके फ्लैट से गायब है। किसने सबूत मिटाने के लिए यह सब कुछ किया है? गोवा जाने से पहले यहां पर गाड़ी को पार्क किया गया था, यहां गाड़ी छोड़कर गए थे। जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो सोनाली फोगाट की तस्वीर एक मिली जिसको फाड़ा गया था और सोसाइटी में जो उनका फ्लैट था उस फ्लैट में जहां किराए पे वो रह रहे थे उस फ्लैट से नेम प्लेट जो थी सोनाली फोगाट की वो नेम प्लेट गायब बताई जा रही है। आकाश खुराना ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ संवाददाता जुड़ गया। आकाश, क्या कुछ अपडेट है इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो वहीं गुरुग्राम में सेक्टर 102 में गुड़गांव ग्रीन्स में फ्लैट जो है यहाँ पर रेंट पे ले रखा था, जो कि टावर 4 में 901 फ्लैट नंबर जो जिसका है यहाँ पर रेंट पर ले रखा था। तो गोवा जाने से पहले सोसाइटी में सफारी गाड़ी से सुधीर और सोनाली फोगाट जो है यहाँ पर आए थे और वहीं सफारी गाड़ी जो है यहाँ पर खड़ी करके फिर टैक्सी से जो है एयरपोर्ट गए थे। तो ऐसे में आज यहाँ गुड़गांव ग्रीन सोसाइटी में एक व्यक्ति आता है जो कि यहाँ पर सफारी गाड़ी खड़ी थी जिस पर सोनाली फोगाट के स्टिकर लगे हुए थे, उसको जो है उखाड़ा गया। वहीं साथ ही जो फ्लैट के बाहर नेम प्लेट लग रही थी उसको भी जो है उतारा गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक ये बड़ा सवाल है कि कौन वो शख्स था और कैसे वो अंदर घुसा। जी, क्या पुलिस इस मामले में जांच कर रही, वहां पर सीसीटीवी के जरिए क्या पुलिस खोजबीन करने की कोशिश कर रही कि वो शख्स कौन था? साफ तौर पे एक बड़ा सवाल है कि कौन वो व्यक्ति था जिसने जो गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी उससे स्टिकर उतारे और जो सोसाइटी के जो गार्ड हैं उन्होंने नहीं रोका। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से गोवा पुलिस ने अभी तक, हालांकि लोकल जो गुड़गांव पुलिस है वहाँ अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर नहीं साझा की है। तो ऐसे में आकाश खुराना, एक तरफ सोनाली फोगाट के परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि आरोपी जो है वो सबूत उसको मिटा रहे हैं लगातार, इसीलिए सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, और एक ये घटना एकदम हो गई गुरुग्राम में कि वहां पर नेम प्लेट को हटा दिया गया, गाड़ी से स्टिकर हटाए गए, यानी कि सबूतों को मिटाया जा रहा है। जो आरोप लगा रहे हैं परिजन वो ठीक आरोप है? सोनाली फोगाट जी, साफ तौर पे जिस तरीके से सोनाली फोगाट के घर वालों कह रहे हैं कि सीबीआई जांच जो है इसकी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं गोवा पुलिस जिस तरीके से आज, हालांकि मुख्यमंत्री से डीजीपी जो है मुलाकात करेंगे और सीबीआई जांच की जो है जिस तरीके से सोनाली फोगाट के परिवार वाले कह रहे थे इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ड्रग्स को लेकर ये मामला सामने आया था तो कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट के घर वालों ने सवाल उठाए थे कि गोवा पुलिस पर उनको विश्वास नहीं है। तो ऐसे में सीबीआई जांच इसकी होनी चाहिए। और वहीं आज गुरुग्राम में इस तरीके की घटना जो है देखने को मिली जहाँ पर सोनाली फोगाट गोवा जाने से पहले और सुधीर जो साथ में यहाँ पर आए थे और गाड़ी खड़ी करके यहाँ से जो है टैक्सी पर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए थे, और वहीं आज कहीं ना कहीं सबूतों के साथ माना जा सकता है कि जिस तरीके से ये नेम प्लेट हटाई गई और गाड़ी के साथ छेड़ जो स्टिकर लग रहे थे उसके साथ छेड़छाड़ की गई, एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब इस घटना के बाद कहीं ना कहीं गोवा पुलिस जो है ग्राम पुलिस से संपर्क करेगी। आकाश, अभी तफ्तीश की जरूरत है, ये तो चीजें वो है कि शुरुआती एक नजर में दिखाई दे रही है, और क्या कुछ सबूत ऐसे होंगे जिसको हटाया गया या फिर मिटाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, बड़ी खबर है। सोसाइटी की पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी और वहां पर जो स्टिकर था गाड़ी पर लगा हुआ उसको फाड़ा गया, नेम प्लेट को हटा दिया गया है। तो बड़ी खबर है गुरुग्राम से सोनाली फोगाट की हत्या से जुड़ी हुई।